नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। अमेरिका में मंगलवार को मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 435 सीटों पर होने वाले इस चुनाव से तय हो जाएगा कि सीनेट में किसका दबदबा होगा। अमेरिकी इलेक्शन प्रोजेक्ट ने सोमवार को बताया था कि 4.3 करोड़ से ज्यादा अमेरिकियों ने मंगलवार के मध्यावधि चुनावों से पहले शुरुआती मतपत्र डाले हैं, जो 2018 की संख्या को पार कर गए। अमेरिका के 50 राज्यों में से ज्यादातर में मतदाताओं को जल्दी या व्यक्तिगत रूप से डाक के जरिए मतदान की अनुमति होती है। कोरोना महामारी की वजह से साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में लोगों ने इस सुविधा का बखूबी इस्तेमाल किया। अमेरिकी इलेक्शन प्रोजेक्ट के मुताबिक सोमवार तक कुल 4.20 करोड़ लोगों में से 1.93 करोड़ लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर शुरुआती वोट और 2.27 करोड़ ने डाक के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आंकड़ों के जरिए ये भी बताया गया कि साल 2018 में सिर्फ 3.91 करोड़ लोगों ने ही शुरुआती मत या डाक के जरिए वोट डाले थे। मुख्य विपक्षी दल रिपब्लिकन के सांसदों ने उन राज्यों में शुरुआती वोट पर तकनीकी आपत्ति दर्ज कराई है जहाँ कांटे की टक्कर हो सकती है। उदाहरण के लिए पेंसिल्वेनिया राज्य के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि डाक से भेजे गए उन मतपत्रों को नहीं गिना जाएगा जिनके लिफाफे पर तारीख दर्ज नहीं होगी। इससे हजारों मतपत्र प्रभावित होंगे। पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही आरोप लगाया था कि पेंसिल्वेनिया में मतदाताओं को असत्यापित मतपत्र भेजे गए थे। बाद में उनके इस दावे को राज्य के चुनाव अधिकारियों ने खारिज भी कर दिया। हालांकि चुनाव में धांधली को लेकर ट्रंप ने पहली बार ऐसा दावा नहीं किया है। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में भी हार के बाद ट्रंप ने चुनावी धोखाधड़ी के तमाम आरोप लगाए थे। इस दौरान देखा गया कि उनके दावे के कारण रिपब्लिकन समर्थक भड़क गए और अमेरिकी कैपिटल हिल पर हमला बोल दिया था। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने भी अमेरिकियों से रिपब्लिकन कांग्रेस के चुनाव का आग्रह किया है। ऐसा इसलिए ताकि सत्ताधारी डेमोक्रेट्स के साथ बैलेंस बनाया जा सके। उन्होंने ट्वीट किया कि अगर शक्तियों का बंटवारा हो तो दोनों पार्टियों की सबसे खराब जातियों पर अंकुश लगेगा। ये देखते हुए कि राष्ट्रपति एक डेमोक्रेट है, इसलिए मैं एक रिपब्लिकन कांग्रेस के लिए मतदान करने की सलाह देता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि ये स्पष्ट होना चाहिए कि मैंने स्वतंत्र रूप से डेमोक्रेट को मतदान किया है। भविष्य में भी मैं डेमोक्रेट के मतदान का समर्थन करने को तैयार हूँ। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। US मिड टर्म इलेक्शन को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।